महाराज ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ी के 8 छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवा, ये सातवा और ये आठवा। ध्यान से देखिए महाराज। नारायण नारायण। महाराज अब आप हमें बताइए कि इनमें से पहला टुकड़ा कौन सा है, बताइए ना महाराज। अच्छा जाने दीजिए महाराज, आप हमें बताइए कि इनमें से आठवां टुकड़ा कौन सा है, बताइए बताइए। उपहास कर रहे हैं आप कंस का, परिणाम आप भली बातें जानते हैं। नारायण नारायण, परिणाम तो आपको भुगतना होगा महाराज, हम तो केवल विधाता के उपहास से आपको बचा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना महाराज कि कहीं देवता आपके साथ कोई पहेली खेल रहे हो। पहला कौन सा है, आठवां कौन सा है, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि जो पहला है वही आठवां हो और जो आठवां है वही पहला हो। काल की गणना कहां से आरंभ होगी महाराज, ये आप तो नहीं जानते ना, मध्य से, अंत से या प्रारब्ध से। नारायण नारायण। आपका काल नहीं है, नहीं है जीस, आपने वचन दिया था कंस, जीस दिखे जाने दीजिए, जीस मैं आपके पैर पड़ती हूँ, जीस छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दो मित्र, जीस आप मित्र से छोड़ दो, मित्र इसे छोड़ दो। कंस एक राक्षस था, परंतु नारद वो तो एक मुनि है, उन्होंने ऐसा अत्याचार किया कैसे? जब कंस माता देवकी के सातों पुत्रों को क्षमा करने के लिए मान गया था, तो नारद ने कंस को उनकी हत्या के लिए क्यों उकसाया? बड़े आपके भक्त बनते हैं, तीनों लोकों में नारायण नारायण कहते हैं, उन्होंने ऐसी निकृष्ट मंत्रणा दी क्यों कंस को? और आप, आपने नारद मुनि को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? आप तो जगत के नियंता है, क्या देव मुनि नारद आपकी इच्छा से बाहर है? एक माता के लिए उसकी संतान क्या महत्वता रखती है, यह आपको समझ में नहीं आया? 9 माह संतान को अपने कोख में रखती है माता, अपने लहू से सींचती है, उसके ही सामने उनके संतानों का वध होने दिया आपने? इस जगती को चलाने वाले जगन्नाथ अपने ही माता के साथ ऐसा विभत्स अत्याचार कैसे होने दे सकते हैं? नारद स्वयं को मुनि कैसे कह सकते हैं? उनकी लगाई अग्नि उन बच्चों का जीवन ले गई, नारद को उनकी करने की सजा अवश्य भुगतनी पड़ेगी। मैं नारद मुनि को यह श्राप देती हूँ कि नहीं। रुक्मिणी, बिना पूरी बात जाने बेचारे नारद को शापित क्यों कर रही हो? तुमने ही कहा था कि नारद मेरी इच्छा से परे नहीं,
और मैं विधि के विधान से मानता हूं कि मां देवकी की दुखद गाथा सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है, परंतु किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए कष्टकारी दुखों का सामना करना पड़ता है। किसी को भी वरदान या श्राप देने से पहले यह समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित है या नहीं। नारद मुनि को तो सदा कोसा जाता है, परंतु वो तो वही करते हैं जो आदेश मैं उन्हें देता। फिर तो ये आप ही का अपराध हुआ ना माधव, आपने ऐसी भविष्यवाणी की ही क्यों? यदि आपको अवतरित होना ही था तो उन सात बालकों की हत्या करने की क्या आवश्यकता थी? आप तो देवकी माँ के प्रथम पुत्र बनकर भी आ सकते थे। करने को तो वैकुंठ में बैठे बैठे मैं कंस का नाश कर सकता था, परंतु मैं सृष्टि का संचालक हूं और सृष्टि कर्म के आधार पर टिकी है और कर्म के आधार पर ही मनुष्य का प्रारब्ध बनता है। पूर्णवी जननम पूर्णवी मरणम पूर्णवी जयते जननी शरणम, अर्थात पुनः जन्म होता है, मृत्यु भी पुनः होती है और मां की कोख में रहने का अवसर एक जीवात्मा को बार बार प्रदान होता है। बस कर्मों की पवित्रता से हर काल में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। तो क्या सातों संतानों का जन्म और कर्म के साथ कोई नाता था? हाँ रुक्मिणी, जैसा कि मैंने बताया, पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नामक राक्षस था जिसके 6 पुत्र थे। उन 6 ने अपने कठोर ताप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव को उन्हें वरदान देने आना पड़ा। तुम सब बालकों ने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है। बोलो वत्स, क्या चाहते हो तुम सब? मृत्युलोक में एक जीव को और क्या चाहिए ब्रह्मदेव? हम सबको अमर कर दीजिए। यह तो असंभव है पुत्रों, क्योंकि मृत्युलोक में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तुम कुछ और वरदान मांग सकते हो तो ठीक है, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई हमें देवता मार सके और ना ही कोई मनुष्य हमारा काल बन सके। तथास्तु। कालनेमी के पुत्रों, देवताओं और मनुष्यों के हाथों काल कालवत नहीं होगा, कोई भी रोग और व्याधि से नहीं मरोगे। शक्ति का एक ही सिद्धांत है रुक्मिणी, यदि उत्तरदायित्व का भान न हो तो शक्ति का दुरुपयोग ही होता है। एक दिन वो 6 घूमते हुए वन में पहुंचे जहां एक साधु गहन ध्यान में लीन थे। इस तपस्या को अब ईश्वर की नहीं हमारी आराधना करनी चाहिए। क्यों नहीं इसकी तपस्या भंग कर दें? चलो। तपस्वी शीला की भांति निश्चल होकर ध्यान मग्न थे और कालनेमी के पुत्र ये नहीं जानते थे कि वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पितामह कालनेमी के पिता हरणकश्यप हैं। कौन हो तुम अधर्मी, हमारी तपस्या को भंग करने वाले? जानबूझकर किया है तपस्वी, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि हम सब कौन हैं। हम सब महाबली कालनेमी के पुत्र हैं, इस दुनिया में सबसे अधिक बलशाली। अपना परिचय दे चुके हो तो हमारा परिचय नहीं जानना चाहोगे? कौन हो तुम? मैं हिरण्याक्ष, कालनेमी का पिता। क्षमा करें पितामह। हमें क्षमा कर दीजिए पितामह। अपने पितामह की सेवा करनी चाहिए, न कि उनका तप भंग करना। अपनी शक्ति में उन्मत्त रहने वाले लापरवाह, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी और वो भी तुम्हारे पिता के हाथों। यही श्रापित कालनेमी के पुत्र माता देवकी के गर्भ से जन्मे थे और हिरण्यकश्यप के श्राप के दंड से जन्मते ही अपने ही पिता कालनेमी के रूप कंस के हाथों मृत्यु के ग्रास बने। आकाशवाणी को असत्य सिद्ध करेगा ये कंस। ये
साल थी, द्वारपाल से कहो कि हमें देवी देवकी और वासुदेव से मिलना। अश्रु मत बहाओ देवकी, इन अश्रुओं का यहाँ कोई मोल नहीं। अश्रु बहाने के अतिरिक्त और मैं कर भी क्या सकती हूँ अरे? कितनी अभागिन हूँ मैं, जिस भाई से रक्षा का वचन लेती रही, उसी के हाथों अपने संतानों का एक एक करके वध होते हुए देख रही। इतनी सारी संतानों को जन्म देने के बावजूद मेरी गोद तो सुनी है, स्त्री के जीवन का सबसे आनंदमय दिन होता है जब वो माता बनती है। कि तू मेरे लिए वो दुनिया का सबसे अभिशापित दिन होता है। विधाता क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं वो मेरी गोद सुखा देता? छह बार इस नरक से निकली हूं, अब एक और बार फिर वो भयानक दृश्य मेरे सामने आने वाला है। किस अभागिन की कोख से जन्म ले रहे हैं ये बालक, जिसे अपनी माता का दुलार नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ अपने मामा का प्रहार। कोई तो युक्ति होगी, कोई तो उपाय होगा जो एक माता पर दया कर सके। कोई तो सहायता करो। देवी रोहिणी, तुम यहाँ? हाँ अरे, बड़ी कठिनाइयों से यहाँ आने का अवसर मिला। द्वार रक्षक ने भी बहुत कम समय दिया है, मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी थी। देवकी, ये मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी है। मैं अभागत तो आपको ठीक से रानीपाल भी नहीं कर पाऊंगी दीदी। तुम्हारी दशा मुझसे छुपी नहीं है देवकी, परंतु इतना समय नहीं है कि तुम्हारी पीड़ा पर सांत्वना दे सकूं। मैं एक विशेष प्रयोजन से आप दोनों से मिलने आई हूं। कैसा प्रयोजन? कल रात्रि महादेवी योग माया ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। समय रहते मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रणिपात आर्य। ये कैसा आश्चर्य है, देवी देवकी तो 9 महीने के गर्भ से थी, परंतु अब इनको देखकर लगता नहीं कि बालक इनकी कोख में है। मुझे ये समाचार महाराज कंस को बताना ही होगा। संतान का बचना आवश्यक है देवकी, इसलिए देवी योग माया ने अपनी माया से तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु को मेरे गर्भ में स्थानांतरित कर दिया है। ये बालक अब मेरे गर्भ में सुरक्षित रहेगा देवकी। महाराज महाराज, विचित्र दुर्घटना हुई है। क्या हुआ?
सारा षड्यंत्र कर रहे थे मेरे विरुद्ध? हम निर्बल निसहाय क्या षड्यंत्र रचेंगे महाराज? निर्बल और निसहाय, उठो 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 उठो। मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर चाहिए वसुदेव। नौ माह का गर्भ अचानक विलुप्त कैसे हो गया? उत्तर चाहिए मुझे। उत्तर दो। मैं तो आज तुम्हारे समक्ष तुम्हारा भाई नहीं, आज तुम्हारे समक्ष मथुरा नरेश कंस का वो विकराल रूप देखोगी जिसके भीतर राग द्वेष छल कपट नीति अनीति कुनीति ईर्ष्या सभी एकत्र आश्रय पाती है। एकत्र कंस कंस कंस। उत्तर दे दो, क्या षड्यंत्र रच रही हो? षड्यंत्र 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 तो हमारे भाग्य ने हमारे साथ किया है। मार ही डालिए मुझे, यही चाहते हैं ना कि बार बार की पीड़ा से तो छुटकारा मिलेगा? हर बार अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने मृत्यु होते हुए देखा है मैंने। मेरा प्रश्न था कि नौ माह का गर्भ अचानक कैसे विलुप्त हो गया? उत्तर दो। इस बार मेरी संतान ने संसार में आने से पहले ही हमें छोड़ दिया, तेरा गर्भपात हुआ है। हाँ? गर्भपात? मुझे दुख हुआ, बहुत अधिक दुख हुआ सच में। देखा बहन, मेरे भय से उसने पहले से ही प्राण त्याग दिए। देखो जो होता है अच्छा होता है, तुम्हें आज भी रोना है बाद में भी रोना है, क्योंकि हर बार की तरह तुम्हारी हर एक संतान को मैं एक के बाद एक अपने हाथों से समाप्त करूंगा। कंस अपने भाग्य पर इतरा रहा था, उसे लगा कि उसके प्रताप के भय से कदाचित विधि भी अपनी योजना टल चुकी है कि माता देवकी का सातवां पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। पर सत्य ये था कि उस शिशु को योग माया ने माता देवकी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। उस बालक को जन्म लेना था, परंतु मदघीरा के कारागार में नहीं, कहीं और। कंस के पापों का घड़ा भरता जा रहा था। ये समझता कि देवकी माँ के 6 संतानों का बलिदान व्यर्थ गया, ये गलत है। हर एक शिशुवत एक अवसर था कंस के लिए, और वो अपने विनाश की ओर जाता रहा। अंततः वो समय आ ही गया जब मुझे धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेना था। हे ईश्वर, यदि आप सत्य हैं, आपकी आकाशवाणी सत्य है, तो यही बालक दुष्ट कंस का काल बनेगा। अवश्य ये बालक कंस का काल है वासुदेव। तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र इस बालक को कारवास से निकालकर यमुना नदी के पार गोकुल पहुंचाना है।